हेलो दोस्तों, टोटल एगन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं वीवो का Y20 एंड Y20i जो मॉडल होता है, तो इसका FRP लॉक यहाँ पे लगा हुआ। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, इसका जो नया वाला सिक्योरिटी पैच अपडेट हुआ था, जिसमें FRP जो लॉक लगा है, तो ये दोस्तों जल्दी ओपन नहीं हो रहा है। ये आप वीवो के जितने सारे मॉडल है या फिर Android 11, 12, Android 10 जितने भी हैं, आप सभी में दोस्तों इस तरीके से FRP बाईपास कर सकते हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल ही नया तरीका बताऊंगा। कोई भी हेडन एंड्रॉयड सेटिंग, कोई भी APK, कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं FRP लगा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले दोस्तों वाईफाई कनेक्ट करना है। तो चलिए, हम वाईफाई मेरा यहाँ पर कनेक्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको सबसे पहले वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लिया हूँ। तो यहाँ पर अब क्या करना है दोस्तों, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से बैक करना है, वाईफाई यहाँ ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे कोई भी वर्ड आपको टाइप करना है, उस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों, वहाँ पे वेब सर्च पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सर्च करना है VN ROM। तो मैं यहाँ पर सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, तो आप इस तरीके से FRP बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पर VN ROM यहाँ पर क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट पे जाना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे सर्च ऐप पे क्लिक करना है सेकंड नंबर पे। एंड दोस्तों, यहाँ पे अलाउ पे क्लिक करके इस पर ओपन कर देना है। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे सर्च करना है V.apps। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लिया हूँ। एंड दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं इस आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। तो ये दोस्तों, इसे परमिशन आपको दे देना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्विक शॉर्टकट मेकर। तो यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो क्विक शॉर्टकट है, इसको आपको क्लिक करना है दोस्तों, डाउनलोड करना। मैं डाउनलोड कर लिया हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसे ओपन करता हूँ, तो आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसे डाउनलोड करके रखा हुआ पहले से ही। तो यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है फैक्ट्री टेस्ट। तो मैं यहाँ पर आपको सर्च करके दिखा देता हूँ फैक्ट्री टेस्ट। इसको सर्च करने के बाद दोस्तों, आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्री टेस्ट जो है, यहाँ पे वो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ओके करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे ट्राई पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो थर्ड नंबर है इंजीनियरिंग मोड, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट वाले बैक टू होम जो लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे इनिशियलाइज टू इंग्लिश पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका FRP यहाँ पे निकल जाएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बिल्कुल आसानी से आप इस FRP को बाईपास कर सकते हैं, जो कि अभी तक बिल्कुल ही नया है। मैंने पिछले वीडियो में भी एक वीडियो में आपको बताया हूँ, तो वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप वीवो के जितने सारे मॉडल है या फिर एंड्रॉयड 11, 12 जितने भी हैं, एंड्रॉयड 10, आप सभी का FRP बाईपास कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, आपका FRP बाईपास होता है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल ही नया नया FRP बाईपास से रिलेटेड बहुत नए नए तरीके यहाँ पे बताता रहता हूँ। तो चलिए, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।